हे एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। न्यू वीडियोस में आगे बढ़ने से कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को शेयर करना चाहता हूँ कि मैं 4 स्टेट में काउंसलिंग करवा रहा हूँ। तो उसमें यूपी, बिहार, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, उसमें यूपी बिहार के जितने भी प्राइवेट कॉलेज एंड मेडिकल कॉलेज के सारे के मैं काउंसलिंग, उसमें आपको इंटरनल डिटेल्स वगैरह मिलेगा और रिटर्न फी क्या है, चार्जेज है क्या, मैनेजमेंट, ये सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पेड काउंसलिंग के थ्रू आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगा। अगर इंटरेस्टेड हो तो इंस्टाग्राम पे गूगल फॉर्म फिल करके DM करना कि मुझे पेड काउंसलिंग लेना। पेड काउंसलिंग बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ फी लगेगा और जो नॉन रिफंडेबल फी होगा तो सोच समझ के अपना फी पेमेंट करना। एंड उसके सारे डिस्क्रिप्शन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में होगा तो वहाँ जाकर देख लेना। तो वीडियो आगे बढ़ने से पहले जो ये सारी इन्फॉर्मेशन देना जरूरी था। तो आज का कॉलेज है हमारा, वो है RDJMNCS कॉलेज, जो है उसका फुल फॉर्म है राधा देवी जागेश्वरी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जो है अपना बिहार के मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट में, जो मुजफ्फरनगर सिटी से दूर है, आउटर में है। और इसका जो है हॉस्पिटल था वो 2019 में ही मतलब स्टार्ट हुआ था, बट इसका जो कॉलेज MBBS कोर्स स्टार्ट हुई थी वो 2021 में स्टार्ट हुई थी। और 2021 में इसका जो है 21 बैच या 21 बैच में इसका जो है सीट इंटेक था 150 था। और पहले इसका यूनिवर्सिटी था जो है दूसरी थी, अभी जाके चेंज हो गया है बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस में। एंड देन इसका फी जो था जो 2021 का वो था करीब आपको 71.5 लाख के अराउंड, जो 2023 में घट के हो गया है, मतलब लो हो गई फी, वो हो गई 69 लाख रुपीज। एंड इसका जो है इसका जो 2023 का कट ऑफ था, जो फर्स्ट राउंड का कट ऑफ था 2020 में, वो था पासिंग मार्क्स ऑफ नीट्स एंड जो है मॉकअप तक में उसका जो 500 प्लस गया था। इसलिए आपको कहते हैं कि काउंसलिंग के फर्स्ट राउंड तक की आप अच्छे कॉलेज चूज वो चूज कैसे आप करोगे, तो उसके लिए आपको अच्छी गाइडेंस या काउंसलिंग में जैसे किसी मेडिकल से आप गाइडेंस लोगे तो आप अच्छे कॉलेज में जा सकते हो कम मार्क्स पे भी। और चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो ऐसे है कि फर्स्ट राउंड में ये इसीलिए कहते हैं कि जो उसके लो मार्क्स है वो बिहार की तरफ मूव ऑन करते हैं, और या तो वेस्ट बंगाल की तरफ बजट अगर अच्छा रहता है तो। और इसके बाद इसका जो है कैंपस छोटा है, और इसमें कैंपस में जो है आपका जो अभी कंस्ट्रक्शन चली रहा है, क्योंकि अभी नया कॉलेज बन ही रहा है तो भी कंस्ट्रक्शन है, तो भी आपको इंडोर गेम्स मिल जाएंगे। आउटडोर गेम्स में क्रिकेट और इसके बैडमिंटन के जो है आपको कोर्ट्स मिल जाएंगे अभी ये। और इसमें अभी जो है इसका जो है अभी NNC अभी अप्रूवल दिया है, रिकॉग्नाइज वगैरह नहीं हो, बिकॉज अभी इसका जो है कोई एक बैच में अभी फ्रेशर बैच नहीं निकला है, अभी जो है इसका बैच नहीं निकला है, MBBS का कंप्लीट बैच नहीं, अभी जो 2021 में फर्स्ट बैच ही है। जब फर्स्ट बैच है उसके बाद उसको रिकॉग्नाइज वगैरह करते हैं NMC। और इसका कैंपस छोटा है, एफिलिएशन आपको बता दी कि बिहार यूनिवर्सिटी हेल्थ एंड साइंस से है। इसके बाद जो है आपको कोई रूल नहीं है बॉयज़ के आउटिंग के लिए, और गर्ल्स के लिए है कि आपको संडे को आउटिंग मिलेगा थोड़ा। और इसके बाद जो कैंपस फैसिलिटी में अभी आपको बताया, इसका मेस का खाना अच्छा है, कोई कैफे है उससे वो लोग सोर्स करते हैं जो है मेस का फूड। एंड जो है रूम का एकोमोडेशन पर रूम है वो आपको मिलेगा 2 या 3 रूम पर रूम में 2-3 जो है पर्सन का एकोमोडेशन है। और इसमें सिर्फ आपको AC रूम्स अवेलेबल्स मिलेगी। एंड इसके बाद जो है इसका पेशेंट फ्लो है आपको बता दें तो 200 से 300। और बाकी आपको जो है विजुअल्स अभी दिखेंगे जो कॉलेज के जो है आपको हॉस्टल्स की वीडियो मिलेगी, शॉर्ट सी वीडियो मिली है, मुझे वहाँ के बच्चे जो पढ़ते हैं वो भेजे मुझे, तो छोटी सी वीडियो है क्लिप, वो आप देख लो। इसके बाद आपको कुछ फोटोज वगैरह होगा वो देख लो आप जाके। देन इसके बाद आपको अगर इंटरनल डिटेल्स चाहिए उसके लिए आपको मेरी पेड सब्सक्रिप्शन छोटी सी अमाउंट में है आपको लगेगी, वो छोटी सी अमाउंट लगेगी। एंड उससे आपको क्या होगा, उससे इंटरनल डिटेल्स मिल जाएंगी आपको, और काउंसलिंग में आप असिस्ट मिल जाएगी। मेरे पास 3 सब्सक्रिप्शन है, अब तीनों का अलग अलग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके चेक कर सकते हैं। और इसमें जो है कैडेवर आपको 4 मिलेंगे और वो 150 में स्प्लिट हो जाती है। और बाकी पासिंग परसेंटेज, एग्जामिनेशन कैसा है, मैनेजमेंट कैसा है, या फैकल्टी के कैसा है, क्योंकि नया कॉलेज है तो ऑब्वियसली बात है आप लोगों को ये क्यूरियस होंगे कि कैसे मैनेजमेंट फैकल्टी कितना है, पेशेंट लोड क्या है, तो पेशेंट लोड 200 से 300 के आसपास है। तो ये सब और इंटरनल डिटेल्स के लिए आप अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप पेड सब्सक्रिप्शन के देख लिया। अगर आपको ज़्यादा इंक्वायरी है तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम पे उसको ज्वाइन कर सकते हैं फॉर लेटेस्ट अपडेट, या इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आप कुछ भी प्रॉब्लम है तो DM कर सकते हैं। तो मिलते हैं कल नई एक वीडियो के साथ। ओके।